कैंडिडेट्स, वेलकम टू IFAS। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो गाइज, अभी आपके एग्जामिनेशन में पूरा 1 मंथ बचा है, तो इस 1 मंथ को यूटिलाइज कैसे करना है और अपना प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग कैसे करना है, यही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्दर कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द CUET इन 1 मंथ, इन दिस 1 मंथ। तो ये लास्ट का एक 1 मंथ बचा है। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत ही सही से चल रहा होगा। तो आपको और इस 1 मंथ में क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस पर फोकस करना है। तो सब्जेक्ट वाइज, आपके टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए, आपका सिलेबस सबसे पहले रेफर कीजिए और यहाँ पर देखिए कौन से टॉपिक है आपके लिए और कौन से टॉपिक्स आपके ऑलरेडी हुए हैं। आपका सिलेबस तो आई होप आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, कई भी स्टैंडर्ड कैंडिडेट्स का हुआ होगा, कुछ कैंडिडेट्स का थोड़ा सा रिमेनिंग होगा, तो आप उस हिसाब से देखिए आपका कुछ पॉइंट रिमेन है क्या। कोई भी सिलेबस का कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, पूरा सिलेबस कवर कीजिए। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन आपकी ज़रूरी है, फोकस ऑन रिवाइजिंग 1 or 2 सब्जेक्ट्स पर वीक। तो आपका जो है टॉपिक्स जो है, तो आप यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स, अगर हम एग्जांपल ले केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपने वीकली रिवाइज करना है उसे। प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द वेटेज इन द एग्जामिनेशन। आपके टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कीजिए वेटेज के अनुसार, एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। डेडिकेट टाइम टू सॉल्विंग द पास्ट ईयर पेपर्स दैट एनालाइज योर परफॉर्मेंसेस एंड आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग देम। तो PYQ सॉल्व करने से क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है, आपके पास आपको समझ आएगा कि वीक एरियाज कौन से हैं, मतलब कौन से टॉपिक में आपको डिफिकल्टी आ रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो कि उन्हीं टॉपिक्स पर, उन्हीं मिस्टेक्स पर आप इम्प्रूव कैसे करें। देन नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट होगा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना इज द मोस्ट क्रिशियल स्टेप ऑफ योर एग्जामिनेशन। टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट रेगुलरली टू स्टिम्युलेट एग्जाम कंडीशंस, एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, तो आप आपके एग्जाम का एनवायरमेंट आप देख सकते हो, एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट फील कर सकते हो, आपका परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो कि हाँ मैंने इतना प्रिपरेशन तो किया है, लेकिन और ज़्यादा मुझे इसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी की प्रैक्टिस आपकी वहाँ पर हो जाएंगी। देन सेकेंड आपकी जो स्टेप रहेगी, स्ट्रेटनिंग द वीक एरियाज। तो आपके जो वीक एरियाज है उन पर आपको सबसे पहले तो उनके उन्हें क्या करना है, आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस। तो ये कैसे करना है आपको, असेस योर परफॉर्मेंस इन मॉक टेस्ट एंड देन पिन पॉइंट एरियाज वेयर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। तो कौन से टॉपिक में आप निगेटिव जा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं जम रहा है, वो देखिए और उस हिसाब से अपने वीक एरियाज को फाइंड कीजिए। देन फोकस्ड स्टडी, एलोकेट मोर टाइम टू दिस टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स यू फाइंड चैलेंजिंग एंड सीक हेल्प फ्रॉम योर मेंटर्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। ठीक है, देन फॉर्मूला एंड कंसेप्ट मेमोराइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट फॉर्मूला शीट्स। तो आपके फॉर्मूलाज होते हैं आपके सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तो उनके एक शीट बनाइए, ट्री डायग्राम्स बनाइए और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। कंपाइल इसेंशियल फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स इन ईच सब्जेक्ट, रिव्यू दिस शीट्स रेगुलरली फॉर क्विक रिविजन्स। फॉर्मूलाज का कैसे होता है, अगर आप उसमें एक छोटी सी भी गलती करती है, आपको याद नहीं आया उस टाइम, तो आपका पूरा जो आप सम करते हो या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो पूरा गलत आ जाएगा। तो इसलिए आपको डेली इसकी रिवीजन करनी है, रेगुलरली इसे एक बार देखना है। देन माइंड मैप्स और डायग्राम, जैसे मैंने आपको बताया, विजुअल एड्स कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। क्रिएट डायग्राम्स एंड माइंड मैप्स फॉर डिफिकल्ट टॉपिक। जैसे आपको पता है कि बायोलॉजी में बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट्स जो है वो साइकिल थ्रू, डायग्राम्स थ्रू दिखाई जाती है, तो आपको उसी हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट्स को डायग्राम में देखना पड़ेगा या फिर उसे आप वैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स का मेमोराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। देन एग्जाम स्ट्रैटेजी, तो टाइम मैनेजमेंट करना आपका जरूरी है। प्रैक्टिस टाइम बाउंड सॉल्विंग मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस ऑफ इम्प्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है। ठीक है, फोकस ऑन बोथ एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी, इन दोनों चीज़ों पर आपको फोकस करना है।
नेक्स्ट सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो डेवलप अ स्ट्रैटेजी फॉर अटेम्प्टिंग सेक्शन इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो आपके सेक्शन कितने हैं उस हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है. तो अभी CUET का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक ही सेक्शन है. कितना सेक्शन है, सिर्फ वन सेक्शन है. तो उस हिसाब से आप उस सेक्शन के लिए प्रिपरेशन कीजिए. आपके सब्जेक्ट में जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे उसी सेक्शन उसी रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं, और टोटल क्वेश्चंस आपके हैं 75 क्वेश्चंस. ठीक है, तो इस हिसाब से आपको आपका प्रिपरेशन करना है. देन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. अभी एग्जाम आ रही है तो स्ट्रेस तो बढ़ता ही है, और हेल्थ की तरफ आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना. हेल्थ को आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी बात है, और भी बेहतर करिए, लेकिन हेल्थ को इग्नोर ना करें. प्रॉपरली अपना डाइट रखें, तो बैलेंस रूटीन आपको रखना है. मेंटेन अ बैलेंस स्टडी रूटीन विथ ब्रेक्स, इंक्लूड टाइम फॉर एक्सरसाइज रिलैक्सेशन एंड सफिशियंट स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली. So that's all for the video. Thank you so much and all the best for your examination. So इस वन मंथ में आपको ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी है गाइज, और इस हिसाब से आप आपका प्रिपरेशन और भी बेटर बना सकते हो. सो थैंक यू सो मच गाइज. इस रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.